नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। लेखपाल भर्ती परीक्षा एसटीएफ की छापामारी से लेखपाल धाधली का खुल गया राज। किन किन परीक्षा केंद्रों पर नकल हुई थी, किस सेंटर की परीक्षा रद्द हो सकती है, रिवाइज आंसर की कब तक आएगा, रिजल्ट कब तक आएगा, विथ प्रूफ आपके बीच प्रस्तुत कर रहे हैं। आप वीडियो में बने रहिए। लेखपाल भर्ती में नकल, ये पेपर की कटिंग है। चार स्कूल प्रबंधक बंदी, नकल का खेल, क्या था मामला? लेखपाल भर्ती की परीक्षा के दौरान न केवल करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में नकल कराई गई थी, बल्कि यमुना पार के कई स्कूलों के प्रबंधकों ने अपने विद्यालय में सेटिंग की थी। पर्ची की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। इसके सबूत मिलने पर लखनऊ एसटीएफ ने बुधवार को यमुना पार में ताबड़तोड़ छापामारी की। कल का मामला है। एसटीएफ ने चार स्कूल प्रबंधकों समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सालवर समेत अन्य फरार हैं। प्रबंधकों के व्हाट्सएप पर अभ्यर्थियों के नाम और विभिन्न सीरीज की आंसर की मिली है। क्या मामला है, मामला क्या है, ये भी जान जाइए। लखनऊ एसटीएफ ने सीओ दीपक कुमार ने बताया कि 31 जुलाई को लेखपाल भर्ती के दौरान यमुना पार के चार स्कूल प्रबंधकों ने सेटिंग कर अभ्यर्थियों को नकल कराई थी। अभ्यर्थी को नकल कराने के लिए 5 से 10 लाख रुपए का सौदा हुआ था। उन्हें परीक्षा केंद्रों में जाने से पहले अलग अलग रंगों के कपड़े पहनने को कहा गया था, यही उनका कोड था। परीक्षा केंद्र में जैसे ही पेपर बटा, साथियों ने पेपर आउट कराकर साल्वर तक पहुंचा दिया। कानपुर का अमित कटियार अपने साल्वर गैंग के साथ प्रयागराज में मौजूद था। व्हाट्सएप पर पेपर मिलते ही उसको सॉल्व करवाया। आंसर की फ़ोटो लेकर सभी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाई गई। करीब 40 से 50 अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी। बताओ इतना बड़ा मामला। एसटीएफ ने इन परीक्षा केंद्रों पर नकल हुए की रिपोर्ट भी शासन को भेज रही है। एसटीएफ ये काम कर रही है कि एकदम पुष्टि कर दी है कि इन परीक्षा केंद्रों पर अच्छे तरीके से नकल हुई है। इसको शासन को भेज दिया है कि अब शासन क्या करता है। शायद हमें लगता है कि वहाँ की परीक्षा रद्द की जाएगी, उस सेंटर की परीक्षा रद्द की जाएगी। और देख लीजिए, हो सकती है चारों केंद्रों की परीक्षा निरस्त। जो मैं बता रहा था कि चारों केंद्रों की परीक्षा निरस्त हो सकती है। एसटीएफ को एक स्कूल प्रबंधक के मोबाइल की व्हाट्सएप डिटेल से कई जानकारियां मिली। ए बी डी जी सीरीज के अभ्यर्थी शशि भान, रोशन लाल, अजय यादव, राजदीपक पांडे, चंद्रभान, ब्रजेश यादव, देवेंद्र सिंह यादव, उत्कर्ष सिंह, मिथिलेश, सत्येंद्र यादव, विकास पटेल, आनंद जायसवाल, नीतीश, पवन यादव, प्रदीप शिवांश, सत्यव्रत तिवारी समेत अभ्यर्थी को नकल कराने की बात सामने आई। चर्चा है कि परीक्षा केंद्र की परीक्षा निरस्त हो सकती है। बिल्कुल निरस्त होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एकदम पुख्ता सबूत मिल गया है। हम ये मामला बार बार कह रहे थे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, लेकिन धाधली हुई है, एसटीएफ जांच में लगी हुई है। तो एसटीएफ ने चार स्कूल के प्रबंधकों को पकड़ लिया है। हमें लगता है इन चार कॉलेजों की परीक्षा रद्द होनी चाहिए, और जो कि लिखा भी गया है, चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज के प्रबंधक की तलाश। अभी हमें लगता है फरार हैं। लेखपाल परीक्षा भर्ती के दौरान महिला अभ्यर्थी ऋतु को नकल सामग्री के साथ छात्रों ने देखा तो सेंटर पर ही हंगामा कर दिया था। नकल का खुलासा होने पर करेली में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल शबनम परवीन, उनका बेटा व प्रबंधक साबान अहमद समेत 4 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस केस में प्रिंसिपल का दूसरा कासान, महिला अभ्यर्थी ऋतु समेत अन्य फरार हैं। कासान पर आरोप है कि उसी की सेटिंग करके 3 अभ्यर्थियों को नकल करवाई थी। कासान ने सेटिंग की थी अभ्यर्थियों के लिए, नकल करवाने के लिए। ये था मामला, एकदम पूरा सबूत सहित मैं दिखा रहा हूँ। वही मामला है जो अभी ऊपर में पढ़ा हूँ, वही चीज़ सेम लिखा है नीचे, ठीक है? तो बार बार उसे क्या पढ़ना है। अब रही बात पहले आएगी अंतिम आंसर की, यूपी ट्रिपल एससी की ओर से
लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा के परिणाम से पहले परीक्षा का अंतिम आंसर कुंजी को जारी किया जाएगा। उत्तर कुंजी ही अंतिम होगी, इसलिए इस बार आपत्ति की कोई सुविधा नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसी के बाद रिजल्ट आ जाना है। उम्मीदवार इससे उत्तर का मिलान कर अपने अंकों का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर कुंजी को इसी हफ्ते जारी किया जा सकता है। हमें लगता है इसी अगस्त महीने के 31-30 तारीख तक आ जाएगा आंसर की, आपके बीच आंसर की आ जाने की उम्मीद है। और क्या मामला है, कब तक जारी होंगे परिणाम? यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल मुख्य परीक्षा के दौरान परिणाम को लेकर अब तक कोई भी अपडेट जारी नहीं किया गया है। हालांकि विभिन्न मीडिया रिपोर्ट ने दावा किया जा रहा है कि परिणाम इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। आयोग ने 1 अगस्त 2022 को अंतरिम उत्तर कुंजी जारी की थी। इस उत्तर कुंजी पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिला था, जैसे 1 से 7 अगस्त के बीच में लोग आपत्ति किए। अब रिवाइज आंसर की कब तक आएगा? 30 अगस्त तक आ जाएगा। हमें लगता है सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट के बाद डीबी के लिए ये कट ऑफ होगा, ये फाइनल कट ऑफ है। डीबी के लिए कट ऑफ है। जनरल की 76, ओबीसी की 74, ईडब्ल्यूएस की 72, एससी की 68, एसटी की 64 और पीएच की होगी 62। मेरे हिसाब से इंस्पेक्टर कट ऑफ है कि डीबी में ये लोग शामिल होंगे। उसके बाद फाइनल कट ऑफ में 5 नंबर और इंक्रीज हो सकता है, 5 नंबर बढ़ के आ सकता है फाइनल कट ऑफ में। अब मैं इसी अनुसार कट ऑफ को बनाया था, जैसे आप देख भी लीजिए, हिंदी के लिए ये सब हिंदी मैथ जीके ग्रामीण, ये है एवरेज स्टूडेंट और गुड स्टूडेंट या स्टैंडर्ड स्टूडेंट, 71 से 76 के बीच में आ रहा था, जैसा आप लोग को लग भी रहा होगा। लेकिन जिस प्रकार से धांधली हुई है, जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, हमें लगता है कट ऑफ पे भारी असर पड़ेगा, क्योंकि जिसको आंसर की ही मिल गई है वो तो 100 में 95 भी लाएगा तो वो भी कम है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एक ही स्कूल में 40 से 50 विद्यार्थी को नकल कराया गया, वैसे लगभग इतना जगह पेपर हुआ है, कहीं ना कहीं इसी प्रकार की व्यवस्था रही होगी और भी जगह, तो मेरे अनुसार से कट ऑफ और भी जा सकता है। ये तो मैं कट ऑफ निकाला हूँ डीबी के लिए, ये डीबी के लिए कट ऑफ है। जो फाइनल कट ऑफ जाएगी इसमें 3 या 5 नंबर और बढ़ सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से धांधली हुई है, अगर मान लीजिए 2000 लोग भी 3000 लोग भी की नकल हो गई है अच्छे से, वो पेपर पा गए, आंसर की पा गए, तो काफ़ी उलटफेर हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कट ऑफ में सबकी कट ऑफ फेल हो जाएगी। क्या लेखपाल की परीक्षा दोबारा होगा? कुछ ही चार, जैसे प्रयागराज में 4 सेंटरों पर, तो हमें लगता है 4 सेंटर पे दोबारा पेपर होगा। जो प्रयागराज के 4 सेंटर हैं वहाँ तो दोबारा पेपर होगा। और देखिए, और कुछ भी मामला ऐसे आता है तो अगर ये ऐसे 2-4 जिला में ऐसे रहेगा तो पेपर दोबारा होना निश्चित है, सबका पेपर दोबारा होगा। लेकिन कहीं 4-6 सेंटरों का मामला रहेगा तो वहाँ सिर्फ री एग्ज़ाम हो जाएगा दोबारा। ये फीमेल की कट ऑफ बताए थे, कोई बताया नहीं था। और मैं पिछले वीडियो बनाया तो उसमें भी, पिछले वीडियो में भी कट ऑफ फीमेल की नहीं बताया था, तो आप देख लीजिए, ये फीमेल की कट ऑफ है। एक्स सर्विस मैन की 55 से 60 जा सकती है डीबी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। पीएच की 62 से 65, 70 से 72 के भी। जनरल ओबीसी की 69 से 70, ईडब्ल्यूएस 69 70, ये दोनों सेम जाने वाली हैं। एससी की 60 से 62, एसटी की 58 से 60। ठीक है, इसी प्रकार से कट ऑफ जाने की उम्मीद है डीबी के लिए। अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो सबसे पहले मैं इसी चैनल पर आपको दूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हमें नहीं लगता कि आप सभी लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब किए हैं, अगर आप सब्सक्राइब किए होते तो मेरा परिवार बहुत बड़ा हो जाता। और धीरे धीरे मेरा यही प्रयास है कि आने वाले समय में
एक अच्छी सी क्लास चलाई जाए। आप सबका सहयोग रहेगा तो वो दिन बहुत दूर नहीं है, जल्द ही उसका आगाज़ कर देंगे और अच्छे टीचरों से निःशुल्क स्टेट लेवल की एग्ज़ाम, जितने भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, सारे इसी चैनल पे फ्री कंटेंट दूंगा, चाहे जितना पैसा लगेगा मैं अपने तरफ से पैसा दूंगा, अच्छे अच्छे टीचर हायर करके ले आऊँगा, लेकिन आप लोग मेरा सहयोग कीजिए, मेरा फैमिली बड़ा हो जाए, मेरा परिवार बड़ा हो जाए, जिससे और लोगों को मैं ला सकूं अपने चैनल पे और सभी लोगों के पास मेरा वीडियो पहुंच सके। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।